तो वर्ड्स नहीं मैम इसके लिए दिवाली पहले ही आ गई अपने लिए हाँ, हाँ बिल्कुल सकते, बिल्कुल बिल्कुल सब घर वालों के लिए दिवाली पहले आ गई बिल्कुल तो किसने आपको इंस्पायर किया लॉ चूज करने के लिए क्या आप हमेशा से लॉ ज्यूडिशरी में आना चाहते थे या क्या आपका इंस्पिरेशन था इस जर्नी में आने के लिए मैम इसके पीछे दो मेजर फैक्टर रहे एक तो स्पोर्ट्स क्योंकि यूनिवर्सिटी को मैं रिप्रेजेंट करता था तो मुझे तीन साल एक्स्ट्रा और मिल रहे थे रिप्रेजेंट करने के लिए और दूसरा ये, ये सर्विस है जिससे कि सिर्फ आपका नहीं मतलब पूरे परिवार को एक ऐसी सम्मान मिलती है एक ऐसा पद मिलता है एक ऐसी जगह मिलती है पूरे समाज के अंदर पूरे परिवारों के अंदर पूरे रिश्तेदारों के बीच में तो वो कहीं ना कहीं था मोटिवेशन कि मेरे परिवार को वहां तक लेके जाना है ताकि वो सम्मान वो सारा प्यार उसने मिल सके जो वो रियली really डिजर्व करते हैं तो ये दो फैक्टर मैम रहे हैं तो हमेशा से आपने लॉ मैं अपने ईयर में सोच लिया था कि सर्विस के अंदर जाना है कब प्रेपरेशन स्टार्ट करी कौन से ईयर में स्टार्ट करी या फिर लॉ होने के बाद सोचा कि अब तैयारी शुरू करनी चाहिए मैम जैसे कि मैंने बताया कि मेरा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड रहा था और स्पोर्ट्स की वजह से ही मैं लॉ के अंदर आया था तो रिप्रेजेंट uh, कर रहा था यूनिवर्सिटी को सेकंड ईयर तक लॉ ओके ओके था पास हो रहे थे सेकंड ईयर में गए सेम सेकंड से फाइनल ईयर तो फाइनल ईयर के अंदर 2018 की वैकेंसी आई थी आई थिंक 197 पोस्ट थी उसमें तो वो ऐसे दिया प्री क्लियर हो गया फिर मेंस दिया तो मेंस में पता चला कि अच्छा कॉलेज के आंसर राइटिंग और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आंसर राइटिंग ऐसी अलग होती है तो वो नहीं कर पाया क्लियर मैम तो वो एक ऐसा असफलता थी उस असफलता ने मैम कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट किया और उस मोटिवेशन का और उस जित का कि नहीं मुझे तो अब ये लेना है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड रहा है तो आज तक मैंने कभी कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं था जिसमें मैं खाली आता हूँ कोई ना कोई मेरी प्लेस हमेशा होती थी चाहे वो सिल्वर हो ब्रॉन्ज हो सेकेंड ब्रॉन्ज हो माना कि कभी गोल्ड ना हो तो भी कोई ना कोई, ना कोई प्लेस होती थी और ये एक ऐसा कॉम्पिटिशन था जिसके अंदर मैं जीरो पे था तो मैम जिद थी और जिद का नतीजा आज यहाँ है

मेंस के जो भी पी थे उनको सॉल्व करा वही से मेरा प्री हो गया और लैंग्वेज मेरी अच्छी थी तो प्री कभी अटका नहीं और मेंस में जो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर गलतियां थी वो सेकंड के अंदर मैंने उस पर काम किया तो मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ लेकिन 1.5 से फाइनली मैं मतलब सक्सेस नहीं ले पाया लेकिन इस बार मैम उसी पर जो कहते हैं न कि एक टाइम होता है तो वो लास्ट टाइम मेरा टाइम नहीं था लेकिन नॉलेज तो वही है मैम सिलेबस भी वही है सब कुछ परफॉर्मेंस भी वैसी ही रही है और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ है कि नंबर भी है तो आपने जैसे बताया आपने पहले की गलतियों से सीखा आई थिंक ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है की अपने पहले वाले आंसर एनालाइज करना पेपर निकलवाना दोबारा प्रैक्टिस करना ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है अच्छा आप एक हमारे पास में काफी सारे लोग आते हैं ये पूछते हैं मैम लैंग्वेज के लिए क्या करें क्योंकि जनरली क्या होता है प्रिलिम्स निकल जाते हैं मेंस में लैंग्वेज की वजह से अटक जाते हैं और प्री में भी क्या होता है स्पेशली ग्रामर के लिए जैसे आप हिंदी मीडियम है आपका तो आप हिंदी के लिए कुछ टिप्स बताइए कैसे इंग्लिश मीडियम वाले अपनी हिंदी इंप्रूव करें और कैसे हिंदी मीडियम वाले अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें मैम जो मैंने किया मैं आपसे वो शेयर कर सकता हूँ सबकी अपना अपना रहता है जैसे प्री की अगर हम बात करें तो प्री के अंदर आप पहले तो पी वाई क्यू देखें जिससे कि आपको एक स्टैंडर्ड पता चलेगा कि अच्छा इस एग्ज़ाम का ये स्टैंडर्ड है फिर जो मैंने आइडेंटिफाई करा मैंने कहा कर ठीक है ये एस आई रैंक के जो एस SI आई की जो uh, वैकेंसी होती है राजस्थान के अंदर वो मतलब कर लो आप उसकी uh, तो आपका ये राजस्थान uh, जुडिशरी का हिंदी से रिलेटेड सारा आपको कुछ रेडी हो गया लैंग्वेज के अंदर भी ऐसा रहा कि ठीक है नॉर्मल नॉर्मल है ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है तो लैंग्वेज में मैम ने कुछ सेलेक्टिव पोर्शन करे थे जैसे टेंसेस हो गए तो तीन चार उससे निपट गए ऐसे ही अपना मॉडल्स वगैरह तो वो मतलब कहते ना कम ज्यादा में हो जाता था तो मैं तो वही बोलूंगा कि मैंने ऐसा ही वाला जो YouTube पे चैनल पे अवेलेबल होते हैं वो वाला करा उससे हो गया मेंस के लिए मैं ये कहना चाहूंगा जो मैंने अपनी पहली गलती से और बाकी साथ वाले दोस्तों की गलती से क्योंकि एक जर्नी लंबी हो गई है तो कुछ दोस्त भी बने कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑलरेडी कुछ इस बार नहीं हो पाए तो सबका मिक्स है वो कलेक्टिवली मैं बताना चाहूंगा लोग ऐसे को लैंग्वेज को किताब समझते हैं कि जो किताब लिख दो जबकि ऐसे किताब नहीं है मैम आपकी खुद की लाइफ है और आप अपनी लाइफ को कितनी अच्छी किताबी लैंग्वेज में कितनी अच्छी एक कोटेशन के साथ कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो ये वो है ऐसे एग्जामिनर आपको जानना चाह रहा है ऐसे के माध्यम से तो आप अगर किताब लिखोगे तो फिर वहां पर नंबर एक बंदा अपनी लाइफ की जर्नी लिख रहा है आसपास पास के इवेंट्स लिख रहा है एक अच्छी कहते हैं ना एक, है एक कवि की तरीके से एक से, अपनी बातों को तो मैम नंबर तो ऑब्वियसली फिर वहां पर आना ही है तो मुझे लगता है कि आप इसको रटने के बजाय एक बार उस पर काम करो कि ऐसे अच्छा लिखा कैसे जाता है अगर आपको लगता है कि आप दस ऐसे रट सकते हो तो एक बार कहना मान के दो ऐसे आप ट्राई करो लिखने का अगर आपने वो दो ऐसे लिख लिया ना तो दो क्या 2000 हजार आप ऐसे लिख सकते हो रैंडमली किसी भी टॉपिक और वही इस बार भी हुआ क्योंकि जैसा राजस्थान का ट्रेंड रहा है कि आ, दो लीगल हो गया एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और एक नॉर्मल जो करंट चल रहा होता है वो लीगल का पोर्शन आई जाता है और एक राजस्थान का अब इस बार फिलोसॉफिकल था फिलोसोफिकल जिसको ऐसे लिखना आता था ना उसने इसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा करा क्योंकि रटने वाले तो सब आप जानते ही हैं मोस्टली कैंडिडेट्स रटते हैं मैंने भी, भी बहुत बारी सुना है आपने एक इंटरेस्टिंग बात बताई है जनरली क्या होता है लोग चीज मैंने बहुत सुनी है कि मैम हमने तीन सौ ऐसे लिख लिए चार सौ ऐसे लिख लिए फिर भी जो ऐसे आया पढ़ावा है पर लिख नहीं पाए वो लिख है लिए कि कॉपी कर कॉपी कर ली कॉपी तो किसी ने डिक्टेट कर दिया कॉपी कर लिए बुक से कॉपी कर लिए पर स्ट्रेटेजी हमेशा गलत होती है तो आपने बिल्कुल सही बात है मेरा मानना बिल्कुल बिल्कुल सही बात है हो सकता है कि बाकी के लिए न हो बट सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और बहुत अच्छी अप्रोच है खुद के बारे में खुद जान के लिखिए आसपास के सर्कमस्टेंसेस आप लोग खुद देखिए फिर ये बेस्ट अप्रोच है अच्छा मुझे बताइए इंटरव्यू के लिए आपने तैयारी कैसे करी और किस तरह के सवाल आपसे पूछे अच्छा जीके पूछते हैं इंटरव्यू में जी तो जीके कहां से आपने कवर करी राजस्थान की आप क्या करते थे जीके के लिए बताइए हम लास्ट टाइम मेरा जो था उसके अंदर पूरा मेरा इंटरव्यू जीके बेस्ट था लॉ का सिर्फ एक था कि आर्टिकल थर्टी टू एंड क्या है इसके अलावा लॉ का कुछ भी नहीं था तो वही हुआ इंटरव्यू में बहुत एवरेज नंबर आए तो फाइनली मैंने कहा आपको 1.5 से रह गया लेकिन इस बार लक ने काम किया ज़्यादा नहीं अराउंड पाँच से सात सवाल थे जीके के वो बहुत बेसिक थे, थे जोधपुर से रिलेटेड थे और एक राजस्थान से रिलेटेड था जिसके बाहर कुछ भी नहीं था बाकी अच्छा खासा लॉ पे चला और मेरी मास्टर करी भी है तो उसके ऊपर चला मैम और साइबर लॉ के अंदर मैंने डिप्लोमा कर रखा है पी तो मेरा मेजर पोर्शन तो ह्यूमन राइट्स पर चले गया और साइबर लॉ पे चले गया थोड़ा तीस पैंतीस परसेंट चला सिलेबस पे और बाकी वो रिमेनिंग वो जीके पे तो इस तरीके से वो बटा बताओ तो जीके आपने पढ़ा कहाँ से मतलब कैस, क्या कैसे जरूरत ही नहीं, नहीं, नहीं पड़ी जरूरत ही अच्छा। नहीं आप अपने डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं और जो थोड़ा बहुत करंटली चल रहा होता है वो जानते हैं अलग से मैंने कुछ भी नहीं, कर, कुछ नहीं, नहीं, कुछ नहीं करा कुछ भी लोग होते हैं काफी लोगों को पता भी नहीं होता है की भी नहीं पता क्या होता है लास्ट में फिर मगअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए तो ये फिर आपको पहले से ही पता था या आप हमेशा से अवेयर थे इस चीज के बारे में हमेशा से जीके में आपकी रुचि थी या क्या था रुचि तो कभी नहीं तो रही, तो है कभी रही है मैम क्योंकि सिलेबस का भी हिस्सा नहीं है, है।, है। सिलेबस का भी हिस्सा नहीं है और दूसरा जीके समझ में भी, भी कम आती है मेरे को क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि शुरू कहाँ करें खत्म कहाँ होस जी मैम बट इसमें आप लोगों का सपोर्ट रहा मैम आप लोगों ने बताया कि, कि किस तरीके से आप जीके के कुछ कुछ हिस्से जैसे कि अपना डिस्ट्रिक्ट देख लो तो डिस्ट्रिक्ट में आपने दस पंद्रह चीजें देख ली जो आपकी यहाँ पर फेमस चीज तो वो हो जाता है मैम इतना कोई स्टैटिक जीके तो कोई पूछता नहीं है बस यही रहता है अब इसके लिए मैम क्या पढ़ना है तो आप अपने शहर में आपने पूरा जिया है

की चलो निकाल लेते हैं उस सफलता से पूरा परिवार का हो गया और वो जो दो फैक्टर एक स्पोर्ट्स का मैं जिद्दी है अगर छेड़ दिया तो पूरा कंप्लीट करेंगे बस। एक वो दूसरा मैंने आपको बोला कि उस परिवार को उस स्टेज पर लेके जाना है तो मोटिवेशन वहीं से आया मैम और एक कोटेशन मैं बहुत ज्यादा उसको मतलब दिल के करीब रखता हूँ तो वो मतलब आप जब कभी भी रुक जाओ ना ठहरो रुको और वो याद करो कि आपने स्टार्ट क्यों किया था जैसे आपको चीज आती है ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन आ है और है। इससे भी ज्यादा मैं अपनी पर्सनल लाइफ का बोलूं तो मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं जब कुछ समझ नहीं आ रहा पहाड़ चले है चाहे वो उत्तराखंड के हो हिमाचल के हो कश्मीर के कहीं चले जाओ बस सही, सही बात है कुछ नहीं जाता दस पंद्रह दिन में लेकिन घर पे रह के दो महीना कमरे में बंद रह के वो आपको बहुत नुकसान होगा अगर सप्ते भर का आपने ये आपने आपको क्या कह सकते हैं ट्रीटमेंट दे दिया पैम्पर कह लो या ब्रेक ले लिया ब्रेक ले लिया

एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई फर्स्ट टाइमर है तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए सिर्फ फिल्म के लिए पढ़े सिर्फ मेन्स के लिए पढ़े या क्या करें तो एक एडवाइस हो गई एक स्ट्रैटेजी क्या देना चाहेंगे आप मैम एक तो जो कोर है और एक आप जैसे कहते हैं ना कि हम वर्कआउट करते थे पी टी होता है एक जीटी होता है एक पर्सनल ट्रेनिंग और एक जनरल ट्रेनिंग तो जनरली मैं पहले एक बात बोलना चाहूंगा सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को देख लो आप लॉ करके आते हो डायरेक्ट तो आप इसी एग्जाम दे नहीं सकते हैं लॉ के दरमियान आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है कि लॉ एक्चुअली लिखा कैसे जाता है हम जैसे दूसरे एग्जाम्स के अंदर लिखते हैं वैसा नहीं लिखा जाता ना लॉ अलग तरीके से लिखा जाता है तभी आप देखते हैं कि रिलेशन किस तरीके से बनते हैं बाकी प्रोविजन के तो उसको समझना है सेकेंड अगर आप जुडिशरी के खासतौर पर राजस्थान जुडिशल सर्विसज की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के लिए मुझे ऐसा लगता है आपको माइनर्स पर पहले काम करना चाहिए देन आपको साथ ही साथ में लैंग्वेज को लेकर चलना चाहिए थर्ड नंबर पर आपको रखना चाहिए मेजर ये, ये मेरा मानना है मैम mm -hmm. सबका अपना अपना रह सकता mm -hmm. है इसकी वजह इसलिए है क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में कहते हैं ना पहाड़ तोड़ने बैठ गया तो फिर हो गया मैम थक जाओगे mm -hmm. हर किसी के बस की बात नहीं है बाहर तोड़ना हाँ लेकिन छोटे छोटे स्टेप हर कोई ले सकता है एक छोटा बच्चा भी ले सकता है तो ये बेबी स्टेप होते हैं माइनर और माइनर इतने आप इसको मत सोचे कि माइनर है कुछ भी नहीं है अगर हम बात करें मीन्स की में uh, 40, 40 इतना रहता है है हमारा तो तो आप आप देख लो बहुत ज़्यादा होता और अगर की बात करो तो uh, uh, 22 to, uh, 32 के आसपास सिर्फ माइनर आपको देता है जाते। अब ये कोई कम थोड़ी ना है और ये दो महीने के अंदर आप मास्टर कर सकते हो इसके अंदर लेकिन तीन महीने के अंदर भी आप सीपीसी में मास्टर नहीं कर सकते ये भी बात फैक्ट है और आप आँ अपने आप को तीन महीना सिविल में तीन से चार महीना क्रिमिनल में अगर लगा रहे हो तो मैम आपको लगेगा मैं, मैं कहाँ बढ़ रहा हूँ या कहाँ बढ़ रही हूँ इसलिए सबसे बेस्ट है, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा बस माइनरस करने में देन आप अपनी लैंग्वेज के करो क्योंकि चाहे सेलेक्टेड कैंडिडेट हो चाहे अभी वो प्रिपरेशन करो सब लोग ये कहते हैं कि सिर्फ लॉ से से सिलेक्शन नहीं होगा तो जब सिर्फ लॉ से नहीं होगा लैंग्वेज करना तो स्टार्टिंग से करो तो स्टार्टिंग से करोगे तो आपके बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर आएंगे और आपको पता रहेगा कि इसको किस तरीके से टैकल करते हैं तो अगर स्टेजेस में देखें माइनर Language major. ये मेरा रहेगा तो इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी आप लोगों तो ने सबसे शेयर करी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर हम सभी होप करते हैं कि आपकी आगे आने वाली जर्नी में आप बहुत अच्छा करें आप बहुत ऊंचाइयों पे जाएं थैंक यू सो मच और अब आप टाइम निकाल के हमारे Thank you. पास आए थैंक यू सो मच थैंक यू सो